दोस्तों, ख्वाहिशों के समंदर में उतरना चाहते हो तो लेके चलो मेहनत की नाव। दोस्तों, ख्वाहिशों के समंदर में उतरना चाहते हो तो लेके चलो मेहनत की नाव। एक ना एक दिन मिल ही जाएगा वो किनारा जहाँ पे बसेगा अपने सपनों का गांव। तो चलिए दोस्तों, सपनों का गांव तो ऐसे ही नहीं बसेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और आज हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम के न्यूमेरिकल्स। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, टू द पॉइंट बात करना हमारी आदत है, फटाफट टू द पॉइंट बात करेंगे। बट एक पॉइंट की बात आती ही है, सब्सक्राइब किया है ना चैनल को, नहीं किया है फटाफट कर दीजिए, हो गया, वेरी गुड। आइए अब टाइप वन, अगर सिंगली रेनफोर्स बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको पहला टाइप। अगर उन्होंने न्यूमेरिकल में आपको बी यानी विड्थ ऑफ बीम, डी और डी, अब ये छोटा डी है वो इफेक्टिव है, और बड़ा डी है वो ओवरऑल डेप्थ है। ए एस टी माने तो एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, अगर ये नहीं दिया है तो आपको नंबर ऑफ बार्स दिए रहेंगे, तो उसका यूज करके आप ए एस टी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद एफ सी के मतलब कंक्रीट का कौन सा ग्रेड है उस पर डिपेंड करेगा एफ सी के का वैल्यू। जैसे कि M20 ग्रेड का कंक्रीट दिया तो एफ सी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। एफ वाई, ये जो एफ वाई है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, अगर आपका स्टील Fe415 ग्रेड का है तो आपका Fy का वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। उन्होंने ये सब दिया है, और अगर आपसे पूछा फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने, बहुत इजी है, फटाफट समझेंगे। अब ये जो करना है आपको, ये क्यों करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है, इसका फायदा क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। आगे जाके सिविल इंजीनियर बनोगे ना, बराबर है ना, सिविल इंजीनियर ही बनोगे ना, तो फिर आपको इन चीज़ों का अहमियत पता होना चाहिए, इसको कहाँ पे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। छोटा सा अहमियत इसका समझते समझते ये स्टेप्स को समझेंगे। पहला स्टेप वन, आपको एक्चुअल डेप्थ पता होना चाहिए किसकी, न्यूट्रल एक्सिस की। अगर कभी भी आप बीम डिजाइन कर रहे हो तो आपको ना उसकी पहले न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पता होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर ये न्यूट्रल एक्सिस क्या बोला है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, पहले मैं दिखाता हूँ, ये किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होगी ऊपर से, जहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंशन स्ट्रेस दोनों जीरो रहेंगे। क्या समझ रहे हैं आप, ये ऐसा लाइन है जहां पे कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल दोनों स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, दोनों स्ट्रेसेस जीरो रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ समझ गया आप कि क्या निकाल रहे हैं हम, ये वाला डेप्थ, ओके डन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले तो नोटेशन एक्सयू यूज किया जाएगा, फॉर्मूला 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी, दैट्स इट। एफ वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ए एस टी एरिया ऑफ स्टील, एफ सी के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, बी विड्थ ऑफ बीम। इमेजिन करो, आपके सामने ना विजुअलाइजेशन चालू रहना चाहिए, पिक्चर पूरी चलती रहनी चाहिए जब भी ये चीज कर रहे हो, ठीक है। आते हैं स्टेप नंबर टू पे, लिमिटिंग और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम कितना डेप्थ हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस का, ये कितना नीचे जा सकता है न्यूट्रल एक्सिस, और कितना नीचे होना चाहिए, इसका एक लिमिट है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपके पास 250 ग्रेड का स्टील है जिसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, अगर न्यूमेरिकल में बोला माइल्ड स्टील है तो समझ जाना Fe 250 ग्रेड का स्टील है। तो अगर 250 के लिए आपको एक्सयू मैक्स या कितना डेप्थ होना चाहिए न्यूट्रल एक्सिस का मैक्सिमम, ये पता करना है, तो ये फॉर्मूला 0.53 डी, सेम Fe 415 के लिए 0.48 डी, Fe 500 के लिए 0.46 डी। इतना इजी फॉर्मूला है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फॉर्मूले आपके सामने आए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने काम किया है इसके ऊपर, फिर आपके सामने ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ होती है,
तो आपको पता चला दूसरा जो स्टेप है जिसमें एक्सियो मैक्स निकलना है, ये वाला फॉर्मूला अपने काम आएगा। अभी फिलहाल टाइप वन में ये परसेंटेज ऑफ स्टील और एमयू लिमिटेड काम नहीं आएगा, बस इसको लिख के रखना, बाद में आएगा तब मैं बता दूंगा। डन। अब ये होने के बाद एक्सयू मैक्स निकाला आपने स्टेप नंबर टू में, स्टेप नंबर थ्री में क्या करना है, कंपेयर करना है एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स को। पहले स्टेप में जो आंसर मिला और दूसरे स्टेप में आंसर मिला उसको, अगर पहले स्टेप का आंसर यानी एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स होगा तो उस सेक्शन को अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन कहा जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए, शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपका ये जो एक्सयू है मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो कम है, मतलब मैक्सिमम जहां पे होनी चाहिए थी उसके ऊपर ही है, तब उस सेक्शन को अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहा जाएगा। अंडर रेनफोर्स मतलब क्या, जितनी आपको एक साइड पे रेनफोर्समेंट डालनी है उतनी ही डालनी है, मतलब ये सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल है। फिर उसके बाद एक्सयू मतलब क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर कभी एक्सयू मैक्स से नीचे चली गई, यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से समझना। केस नंबर टू, अगर मैक्सिमम डेप्थ का ये यहाँ पे लिमिट था, ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, एक्चुअल डेप्थ है ना, एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की वो थोड़ा ये मैक्सिमम डेप्थ से नीचे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है एक्सयू। तो इस केस में क्या हो गया, जितना मैक्सिमम डेप्थ होना चाहिए था उसको भी क्रॉस करके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है, तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ेगा, उसी को ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते। बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को। डन, गुड। अगर एक्सयू और एक्सयू मैक्स दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। भले ही बैलेंस्ड आ जाइए बट इसको ओवर रेनफोर्स्ड कंसिडर करके ही डिजाइन करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। अब लास्ट का स्टेप, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है बच्चे स्किप करना चाहते हैं बट मत करना स्किप कभी वीडियो को। स्टेप नंबर फोर, एमयू जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है वो इसमें निकलेगा। अगर आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड आया तो उसके लिए 0.87 FYST इन ब्रैकेट डी माइनस 0.42 XU ये आएगा, और अगर बैलेंस्ड और ओवर रेनफोर्स्ड आएगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, शायद मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए, फॉर ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस्ड सेक्शन ये यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा मैंने क्या यहाँ पे बता दिया है विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी वो समझा दी है मैंने। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा तो ही लाइक करो और कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।